जयपुर के चंदवाजी थाने इलाके में एक प्राचीन मूर्ति को जमीन में दबाने का मामला सामने आया है। जब ग्रामीणों को प्राचीन प्रतिमा को भूमि समतल करने की आड़ में मिट्टी में दबने का पता चला तो मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई और विरोध प्रदर्शन किया। मामला चंदवाजी थाना इलाके के ग्राम चक मनोहरपुर का है। जानकारी के अनुसार चक मनोहरपुर में शिव मंदिर के सामने करीब 400 वर्ष पुरानी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी। वहीं मंदिर के पास की भूमि को महिमा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने खरीदा है और भूमि का समतलीकरण किया जा रहा है। इसी दौरान ग्रुप की ओर से खुदाई कर रहे कर्मचारियों ने जेसीबी चलाकर लोगों की आस्था का केंद्र प्रतिमा को मिट्टी में दबा दिया। जब ग्रामीणों को पता चला तो वे मौके पर एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पाकर चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मांग पर जेसीबी को सहायता से मिट्टी में दबी हनुमान जी की प्रतिमा को बाहर निकाल लाया। इस प्रतिमा को फिर से स्थापित किया गया है।